ब्लास्टिंग होना ही होना है, बल्कि किसी भी तरह से कुछ भी होगा लेकिन ब्लास्टिंग करेंगे। 28 तारीख को पुनर्वास का कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है? अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है। तीन तीन बार लिखित दिए हुए हैं लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई की गई है। पत्थर कब गिरा था? पत्थर गिरा है 30 तारीख को, 30/7/2012 को। उस समय आप लोग कहाँ पर? उस समय हम लोग यहीं पे सब घर पे ही, मैं उसके मुताबिक मैनेजर भी यहाँ पे मतलब मौजूद थे। कितना का क्षति हुआ आपको? क्षति तो बहुत सारा हो चुका है, पूरा घर ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कल भी ब्लास्टिंग में गिरा है आपका घर? जी हाँ। कल कितने बजे हुआ? कल वही दोपहर को मतलब 2:30 बजे हुई है, 2 और 3 के बीच में ही। अक्सर ब्लास्टिंग होते रहती है? अक्सर ब्लास्टिंग होते ही रहती है और आज भी वैसा ही ब्लास्टिंग करेगा क्योंकि माल पूरा मतलब डला ही रहा है। प्रबंधन का किस पदाधिकारी से आप बात की थी? मिथिलेश प्रसाद से। क्या बोले? मैनेजर। प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं। नहीं अभी तो कुछ वैसा नहीं लिया गया। जो दो आपका जो ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग हुआ, तीन ब्लास्टिंग हुआ, लेकिन दूसरे साइड में था उसमें भी कुछ नहीं। ये जो घर गिरा है उसका वजह जो है ब्लास्टिंग माना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? गिरा होगा हम वजह मान। आपके उपस्थिति में सुनते वहाँ पर जो है बड़ा स्टोन आकर गिरा था? ये गिरा था उस समय, था वो लिया था उस समय, बिना कारण नहीं रहे जो है वो सच है, सो सच है। हम लोग फिर बोले नहीं, रोके उसमें कि हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, ब्लास्टिंग वगैरह सब बंद करा दिया हम लोगों को। पुनर्वास क्यों नहीं किया जा रहा? पुनर्वास का वो अपना ही जो है संविधान है जिसमें इनका जगह रहेगा, वो सब रहेगा, मुआवजा मिलेगा, सब मिलेगा। क्या इनका जगह नहीं है के लिए? मैं नहीं पता सर, हमको आगे प्रोड्यूस करेंगे रहेगा, जरूर मिलेगा। अगर हम लोग घर का रिपेयरिंग के लिए ही बोले इन लोगों के भी, जितना मरम्मत हम लोग करा देंगे, लेकर के गए थे अब ठेकेदार को, इंजीनियर को भी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अप्रिय घटना वैसा तो घटना नहीं चाहिए, वो घट जाए तो उसको क्या कहा जाए? क्या उसका जिम्मेवार आप होंगे? जिम्मेवार जरूर होंगे, अगर होगा तो क्यों नहीं होंगे, अगर जो हम यहाँ का ही है हम लोग प्रतिनिधित्व एक्सेप्ट करते हैं कि इनका घर जो है ब्लास्टिंग से गिरा है तो उसका जिम्मेवार आप? नहीं देखिए, जब कैसे गिरा है, पुराना घर भी है, इसे भी गिरा है, मान रहा है इसको, तो उसको बोला अगर जो गिरा है तो हम लोग बनवाएंगे, उसको बोले हैं हम लोग। तो कब तक बन जाएगा ये? बनाने नहीं दे रहे तो बोले कि बनवाने के लिए इनको। क्या स्टेज बना है? मेरे को नहीं, हम तो इंजीनियर नहीं हुए यहाँ, क्योंकि पूरे घर देखे हम लोग जो है ब्लास्टिंग से जो है फट फट गया। ठीक है, फटा होगा, इस जो है हम लोग बोलते हैं कि उसका जो काम हम लोग कराएंगे। ये प्रबंधक जैसे मैं पूरा बॉस हूँ ना, जो हमारा जो दायरा नहीं, आपका दायरा जो है कि 300 मीटर के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग का एरिया में कोई घर या आवास स्थानीय नहीं होना चाहिए। जो है वैसा कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो मैनेजर आए तो वहाँ पर बोलने लगे, आवाज का टाइम हुआ आया तो बोलता है कि घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ ना तो फिर घर में रहिएगा तो केस हो जाएगा। तो हम लोग को बाहर ले गया, वहाँ पर यही हुआ है 28 तारीख को, और पत्थर इतना बड़ा गिरा ना जो कहने लायक नहीं, और पानी तो दे रहा था थोड़ा थोड़ा देखवे किए, बस कल जो आवाज किया तो एकदम रच रच के एकदम तुरता आवाज उधर हुआ और इधर बैठ गया।